शाका भूल, मैं जिस बच्चे के सर चढ़ा भूल जाता है वो सब जो उसने है पढ़ा। बच्चों, आप सबको परीक्षा के लिए बालवीर की शुभकामनाएं। मन लगाकर पढ़ना और अच्छे अंक लाना। और एक विशेष सूचना, जो भी बच्चा अपनी कक्षा में प्रथम आएगा मैं उसे एक विशेष तोहफा दूंगा। तो बच्चों, बिना डर के जुट जाइए परीक्षा की तैयारी में। आपका बालवीर। इस बार बालवीर के हाथों से तोहफा, इस बार तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। अच्छा, तो अगर बालवीर के हाथों से तोहफा नहीं मिलता तो फिर तू कम मेहनत करता ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। वैसे ये सरप्राइजिंग तो नहीं लगता, बालवीर ने ऐसा नोटिस तो पहले कभी नहीं दिया, फिर इस बार ही क्यों? ताकि बच्चों का हौसला बढ़े, वो मन लगा कर पढ़ाई करे और परीक्षा से बिल्कुल भी ना डरे। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने ही लगाया ना। क्या? अब क्या तुम लोग भी मजाक नहीं समझते हो? अब इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? तुम्हें पता है बालवीर ने सिर्फ इसी स्कूल में नहीं बाकी सारे स्कूलों में ऐसा नोटिस लगाया है। अब मोंटू बॉस की चमचागिरी छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना बॉस के बेड की तरह जीरो मिलेगा। क्या बोला? कुछ नहीं बॉस, आपने वो नोटिस पढ़ी? नहीं। अरे बॉस, उसमें लिखा है कि जो बच्चा एग्जाम में फर्स्ट आएगा उसको बालवीर एक स्पेशल प्राइज देगा। स्पेशल प्राइज? फिर तो एग्जाम में मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी फर्स्ट आएगा। बॉस, बालवीर आगे से फर्स्ट आने वाले को प्राइज देने वाला है, पीछे से फर्स्ट आने वाले को नहीं। मैं आगे से ही फर्स्ट आऊंगा। वो कैसे बॉस? ये देख। लाइन क्या है बॉस? 2 मिनट रुक, उन पिद्दियों के आने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। हेलो मानो मैं। हेलो हेलो। एग्जाम्स आ रही है ना? हाँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मोंटू, बेस्ट ऑफ लक की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें। हाँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम फेल तो ना हो बल्कि 2-3 मार्क्स से पास तो हो जाओ। दिलो, जब मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा ना, तुम्हारी ऐसी है ना, ऐसी ऐसी गायब हो जाएगी। मोंटू, तू और फर्स्ट, मजाक मत कर। मजाक तो ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल पूछ लो, सबके आंसर्स दूंगा मैं। इतना कॉन्फिडेंस? ओके, पूछो। अच्छा बता, प्लासी की लड़ाई कौन से साल में हुई थी? Please ask your question again. जरा एक क्वेश्चन वापस पूछना। प्लासी की लड़ाई कौन से साल में हुई थी? प्लासी की लड़ाई नहीं आता ना? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। 23 जून 1757 में हुई। मैं, मुझे तो लगता है कि मोंटू जरूर कोई चीटिंग कर रहा है। करने दे चीटिंग, क्योंकि एग्जाम में चीटिंग नहीं चलने वाली है। चलो यहाँ से। 1 मिनट पिद्दियो। मेहर, अगर तुझे लगता है कि क्लास में तू ही फर्स्ट आएगी तो लगा शर्त। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? लगाओ। अगर मैं हार गया ना तो मैं मेरी मूछें मुंडवा दूंगा। अरे बॉस, आपको मूछ तो है ही नहीं। अगर आपको मुंडवाना ही है तो पूछ मेरे पूछ। अरे पर मेरे पास पूछ भी नहीं है ना। वो तो आ जाएगी ना, जब पागल जी आपको गधा बनाएंगे।
तो ठीक है, अगर मैं हार गया तो मैं मेरा सर मुनवा दूंगा। बोलो कौन लगाएगा शर्त? बोलो तैयार हो तुम लोग? कौन लगाएगा मेरे साथ शर्त? वाह, तो ये बल्लू लल्लू मुझसे शर्त लगाएगा। मैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो हाँ बल्लू ये ही लगाएगा शर्त, लेकिन मेहर मैं बर... अरे बल्लू लगा ले शर्त। चल मोंटू, लग गई शर्त। और मोंटू, अगर बल्लू जीता तो तू गंजा होएगा। हाँ ठीक है, और अगर मोंटू जीता तो तू गंजा होगा। अरे अरे मैं... पर ऐसा नहीं होगा ना बल्लू, तू सोते सोते ही पढ़ेगा ना, फिर भी इससे ज्यादा नंबर लाएगा। हाँ देखते हैं। बल्लू देखते कौन ज्यादा नंबर लाता है। डन। कुछ समझे तौबा तौबा? मैं समझाती हूँ। विद्यालयों में जब भी परीक्षा का समय आता है, बच्चों के मन में परीक्षा का डर बैठने लगता है। ये भूत बच्चों की परीक्षा के डर से ही पैदा होता है। परीक्षा से बच्चे जितना डरेंगे, ये भूत उतना ही बड़ा होता जाएगा। और फिर बच्चों ने जो भी पढ़ाई की है, जितने भी पाठ पढ़े हैं, ये भूत वो सब उन बच्चों को भुला देगा, जिससे बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे और फिर सारे बच्चे पढ़ाई से दूर भागेंगे और बुरे बच्चे बन जाएंगे। अगर नहीं डरा कोई बच्चा परीक्षा से तो ये भूत छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो परीक्षा से डरता नहीं है। परीक्षा के भूत, तुम जाओ पृथ्वीलोक, और जिस भी बच्चे ने जो भी परीक्षा की पढ़ाई की है, उस तैयारी को खराब कर दो। उनके दिमाग से सारी पढ़ाई मिटा दो। बच्चों के मन में पढ़ाई और परीक्षा का ऐसा डर बिठा दो कि बच्चे पढ़ाई और परीक्षा से दूर भागे। जाओ। केवल है ना मेरा कमाल का ये डिवाइस, हिट है ना मेरा प्लान। बॉस अभी तो आपका ये प्लान हिट हो गया, लेकिन एग्जाम में क्या होगा? क्योंकि बॉस ये स्पेशल डिवाइस आपके मोबाइल से कनेक्टेड है। हाँ। और आप मोबाइल एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लेके जाओगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन बॉस अगर आप सोच सकते तो आप एग्जाम में टॉप करते। बॉस, हाँ? आपका फ्यूचर तो बिल्कुल टकला है। बॉस, मुझसे आपका गंजा सर देखा नहीं जा रहा है। केवल केवल तू टेंशन मत दे यार। केवल मैं एग्जाम में चीटिंग करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा और एग्जाम में फर्स्ट आकर ही रहूंगा। उसके लिए मैं 2 बार चीटिंग करूंगा। पहले मैं एग्जाम में चीटिंग करूंगा और फिर दूसरी में बल्लू को पढ़ाई करने से रोकूंगा। फिर वो जो पढ़ेगा ही नहीं तो अच्छे नंबर कहाँ से लाएगा? अरे मानव प्लीज ना मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे को बहुत पढ़ना है।
अरे मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, पर ये बल्लू कहाँ चला गया? क्या पता मुझे अपनी बैग थमा के अपने बल्लू का बैग संभालो या फिर अपनी पढ़ाई करो। केवल मिल गया आइडिया बल्लू को पढ़ने से रोकने का। क्या बॉस? हम बल्लू की बैग में जितने भी किताबें ना उनके ऊपर इंक डाल देंगे, फिर जब बल्लू पढ़ेगा ही नहीं तो अच्छे नंबर कहाँ से लाएगा? फिर तो ये शर्त मैं ही जीतूंगा। मुझे तो मोंटू के बारे में सोचकर ही उस पर दया आ रही है कि जब वो शर्त हार जाएगा और उसे गंजा होना पड़ेगा तो कैसा दिखेगा, और वो भी बिना बालों के। बालवीर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मोंटू अपनी शर्त हार जाएगा? मुझे पता नहीं रानी परी, मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि वैसे भी मोंटू का पढ़ाई में मन लगता ही नहीं और वो तो हर परीक्षा में मुश्किल से उत्तीर्ण होता है, और मैं तो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक क्षण में सारी किताबें पढ़ लेता हूँ, तो उसके अंक से मेरे अंक तो ज्यादा आएंगे ही। नहीं बाल, बालवीर शायद आप ये भूल रहे हैं कि मोंटू ने ये शर्त बालवीर से नहीं बल्कि बल्लू से लगाई है, और बल्लू बाकी सभी बच्चों की तरह एक साधारण बच्चा है, इसीलिए आपका अपनी शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाँ बालवीर, रानी परी बिल्कुल सही कह रही है, आप हमेशा परीक्षा में जादू से पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि आपका ध्यान बच्चों की सुरक्षा में होता है, इसलिए आपके पास समय नहीं होता। लेकिन इस बार आपको आपके जादू का प्रयोग नहीं करना है, इस बार की बात अलग है। और हम ऐसा इसीलिए चाहते हैं ताकि मोंटू को भी जीतने का बराबर का अवसर मिल सके, यही न्याय होगा बालवीर। रानी परी, माँ आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपने जादू का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन रानी परी मैंने आज तक इस तरह पढ़ाई नहीं की और अचानक इस तरह। बालवीर, हम आपकी चिंता को समझते हैं, हम जानते हैं कि ये शर्त मोंटू ने रखी है, आप तो शर्त रखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बालवीर अब जब ये शर्त रखी जा चुकी है तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इस मुकाबले में हिस्सा जरूर लें। और हाँ बालवीर, इस शर्त को आपको जीतना भी होगा, नहीं तो। हाँ, मोंटू का तो पता नहीं, लेकिन गंजा बालवीर या बल्लू नहीं लगेगा बिल्कुल भी अच्छा। डूबा डूबा एक नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा मित्र और गंजा नहीं नहीं। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। हमारे गैलेक्सी का सबसे बड़ा प्लेनेट यूरेनस है। अरे नहीं, हमारे गैलेक्सी का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। चांद पर पहला कदम ग्लीन, अरे नहीं, चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। क्या यार, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, ये एग्जाम को सोच सोच कर ही डर लगता है, कुछ भी याद नहीं हो रहा, पक्का फेल हो जाऊंगा। सही कहा, तुम पक्का अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हें अपनी किताबों से पढ़ा कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्या हो रहा है, वो कब आया?
प्रभु जिस बच्चे के सर चढ़ा वो भूल जाता है सब जो उसने है पढ़ा। हाँ, अब जो भी तुमने पढ़ा है उसमें से तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ नहीं, भूल जाओगे सब परीक्षा में। नहीं, मुझे फेल नहीं होना, मुझे फेल नहीं होना। तुम मेरी बैग संभालना, मैं पानी पी कर आता हूँ। हाँ जा भाई। आता। मैं हम थोड़ा ब्रेक ले ले। चलो नी, प्लीज। ठीक है, चलो। चलो। डरे हुए क्यों? भूत वाली, भूत। भूत? कहाँ है भूत? यही था परीक्षा का भूत। बोल रहा था कि मैं सब भूल जाऊंगा और मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। मुझे फेल नहीं होना बालवीर, मुझे फेल नहीं होना। हाँ हाँ, देखो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे और तुम उत्तीर्ण भी जरूर होगी, ठीक है? लेकिन भूत ने सारे सब खींच लिए, मुझे कुछ याद नहीं है, जो पढ़ा था वो भी भूल गया। प्लीज बालवीर, भूत से बचा प्लीज। देखो ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये बस तुम्हारा वहम है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। परीक्षा के समय बच्चों को हमेशा ऐसा तनाव होता है, उन्हें डर लगने लगता है कि वो सब कुछ भूल जाएंगे, उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। बच्चे परीक्षा से डरते हैं ये तो पता है, लेकिन लेकिन इतना डर क्यों? उन्हें परीक्षा का भूत दिखाई देने लगे, और परीक्षा का भूत ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.